बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। सुबह जब मैं उठा 7 बजे, उस टाइम भी मैं नहाया था और उसके बाद फिर अपने काम पे निकल गया था। वापस आया हूँ, तकरीबन अब हो चुका है टाइम 10:30 का। अब भी आके दोबारा जो अपने टाइम पे जो नहाता हूँ वो भी नहाया हूँ, लेकिन गर्मी जो है ना टस से मस नहीं, और ये गर्मी की जो शिद्दत है वैसे ही बरकरार खड़ी है। हाँ जी। और आपने इतनी गर्मी में अंडा बना लिया, क्या कहने आपके, इसलिए तो आपका नाम आपकी अम्मी ने और आपकी फैमिली ने शुक्रिया रखा था। कितना अच्छा तो नाम है मेरा। अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बात को समझे ना। हाँ जी, वो रात में कोरोना गर्मी गर्मी को मारेगी, ये तो बात है। वो ना पता क्या, वो रात बनाए थे हमने मैक्रोनी से रखे हैं और अंडा ब्रेड भी है। आपने कहा नहीं, मैंने तो रोटी खानी है, तो आप मैंने ये नमक मिर्च वाला ना ये अंडा बनाया। चलो ठीक हो गया, बस रोटी खा लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, फिर जो है ना बच्चों को छोड़ के आने आप ही के घर। ताजी गर्मी हो रही है, गर्मी है। शिकंजी जी हमारी तैयार हो चुकी है, मिस्त्री भाई भी आ चुके हैं शिकंजी पीने के लिए, उस्ताद बड़े ये बैठे हैं जी गर्मी से जो है ना। ये क्या, बस फरूख भाई आपके कम है, वो कोड़ू भाई तो 12-13 गिलास पी जाता है। बड़े सेठ साहब भी आए बैठे हैं जी, बड़े सेठ साहब, सेठ इनाम साहब बैठे हैं जी, शिकंजी नोश फरमा रहे हैं। ये बहुत ही प्यारी जी मस्जिद है, छोटी सी अल्लाह का घर है। इस घर में पंखों की ज़रूरत थी, माशाल्लाह से एक पंखा हमने बाहर यहाँ पे नसब करवाया है और साथ में पाकिस्तानी जुगाड़ भी साथ लगा दिया है। ऊपर से तसला जो है ना लगा के हमने ना ऊपर से कवर कर दिया है, ताकि जो है ना बारिश आए तो पंखे को नुकसान ना हो, जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। ये भी पंखा माशाल्लाह ओके हो चुका है हमारा, बिल्कुल सही हवा दे रहा है। और अंदर वाला आपको जो है ना मैं फ़ैन वो भी दिखा देता हूँ। दूसरा हमारा पंखा है यहाँ पे नसब कर दिया है। अंदर से मस्जिद माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे एक पहले पंखा लगा हुआ था, एक पंखे की हमें ज़रूरत थी, दूसरा हमारा पंखा यहाँ पे लग गया है। और ये दो जो पंखे लगवाए हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आप ही हैं, UK में रहते हैं भाई शौकत फैमिली, उनकी तरफ से ये दो पंखे मस्जिद में लगाए गए हैं। मस्जिद के लिए हमें जो है ना कालीन की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सादा से जो सिंपल सी चटाइयाँ वगैरह होती हैं कपड़े की, इस तरह से ये बिछाई हुई है। किसी ने अगर कालीन बिछवानी हो मुकम्मल अंदर से, तो फिर ज़रूर हमारे नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर आप जो है ना अल्लाह के घर की खूबसूरती को मज़ीद दुबाला कर सकते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। रब्बे के नाज़ से दुआ है, अल्लाह पाक भाई शौकत को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें भाई जी, आमीन इलाही। मासूम फातिमा को देखें जी, पी तो हो रही थी, चेहरे पर भी लगा लिया है पाउडर, ये देखो जी ना बुरी बात। चलो ठीक है, वो कौन सा पाउडर होता है, ये वाला कूल पाउडर, कूल पाउडर जी, चेहरे पे भी लगा लिया, सारा पित नहा नहा के जो है ना पित कर रखे इन्होंने सारे जिस्म पे, तो वो कूल पाउडर लगाया, वो है ठंडा, वो ठंडा जो है ना पाउडर ने मजा दिया, अब सारे जिस्म पे क्या, मुंह पे क्या, टांगों तक लगा लिया। यहाँ पे जी माशाल्लाह से पुलाव तैयार की गई है मेहमानों के लिए, खुशबू तो माशाल्लाह, शुक्रिया आपके खाने की, क्या बात है, सब तारीफ करते हैं। बाकी आप जो चीज बनाती है ना माशाल्लाह दिल से बनाती, जिस दिन आप दिल से नहीं बनाती ना वो दिन हांडी भी बेकार बनती है। नहीं मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। हाँ, अगर मैं जब मेरा नहीं दिल करता या तबीयत नहीं खराब होती ना फिर मैं बनाती। जब तबीयत खराब नहीं होती नहीं मैं बनाती। हाँ जी, जब तबीयत खराब होती है ना तो फिर नहीं मैं बनाती। अच्छा चले दे मेहमानों को जी, प्लेटें छोटी है मुझे लग रहा है। मिस्त्री भाइयों के लिए मैंने एक लेजी बनाई थी। अच्छा चल माशाल्लाह, दे आई थी। हाँ जी, हद दे आई था। मेहमानों ने जी खाना खा लिया है माशाल्लाह से, बोतल मंगवाई है ताकि खाना का जो है ना क्या बोलते हैं खाना हजम हो जाए, हजम हो जाए, क्योंकि बोतल पी के ना फिर वो मैविश बेटी और के घर जाना है ना माफियाल में, मुझे कहती है आप चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाती, मैंने कहा शाम का टाइम हो गया, मैं शाम की रूटीन का भी काम करना है, वो कहती है आके कर लेना,
अगर आप नहीं जाओगे फिर हम भी नहीं जाएंगे। हाँ नहीं नहीं आप भी तैयारी करो, बोतल पिलाओ ना, उसके बाद फिर निकल चलते हैं, देर हो जाएगी ना। मैं कह रहा हूँ घंटा डेढ़ बैठ के आ जाएंगे, दिनों दिन आ जाएंगे, फिर यह है कि घर का काम भी तो करना होता है। हाँ जी, क्योंकि शाम का खाना, खाने को तो टेंशन है नहीं, नहीं है टेंशन से फ्री हूँ। रुकैया सिस्टर और सुगना सिस्टर भी पहुँची हुई है इस साइड पे, शौकत भाई पहुँच गए हैं। मेरा ख्याल से जो है ना, शुक्रिया ने पैगाम पूछवाया था कि भाई आज मैंने मजेदार जो है ना पुलाव बनाई है, आ जाए। हाँ जी, वो शुक्रिया सिस्टर से बात हुई थी ना, तो वो शुक्रा सिस्टर और काम से भी आए, वो कह रहे नहीं हमें नहीं पता था चावल बने हुए हैं। मैंने कहा मैंने तो आपको बताया था भी चावल बने हुए हैं, तो वो कहते हैं चले भाई हम चावल नहीं खाते, हम जो काम के लिए आए ना हम वो काम करते हैं और अपने घर जाते हैं। मैं थोड़े थोड़े खा लूँ। चलो अच्छी बात है ना, सेव लिखा हुआ था ना उनका। हाँ जी, वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। माशाल्लाह जी, यहाँ पे जी रखता हूँ और चम्मच यहाँ से निकालने की कोशिश, भाई शौकत को दे रहा हूँ चावल गर्म। शौकत नहीं ले रहे चम्मच, पैरों पे स्वेलिंग हो रही है ना, तो चावल नहीं देने। अच्छा चावल नहीं देने, नहीं देने भाई। अच्छा। शौकत कह रहे मैं नहीं खाने चावल। अच्छा चलो, अरे कलेजी मुझे दे दो चावल। चलो कलेजी दे दो आप। ये प्लेट किसको दूं? ये सुब्रा सिस्टर को। वो तो फिर अंदर गए हुए ना मिलने के लिए। हां जी उधर गए हुए, मैं उन्हें देती हूं फिर जी। फिर मैंने कहा भाई शौकत को आके ना कलेजी देती हूं जी। आपके कैसे बने हुए थे चावल? बहुत मजे के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। हाँ अच्छा, चलें आगे भी पूछ लेता हूँ। जबरदस्त बना रहे थे ना? जबरदस्त जी, माशाल्लाह जी। कैसे बने रहे थे चावल? बहुत टेस्टी बने हुए थे। हाँ मुझे पता है कि वो टेस्टी बने हुए थे, क्या चक्कर है, मुझे सारा पता है। रोला ये है जी, शुक्रिया बैठी है यहाँ पे, बस इसको मक्खन लगा रही है, बाकी पेट पूजा तो कर ही ली है। झूठ नहीं बोलती मैं, हो रही है बहुत मजेदार बने हुए। हम बनाते हैं तो वैसे नहीं बनते। सही बात है, अपने अपने हाथ में ना हर किसी का जायका होता है। अच्छा। हमारे हाथ में तो जायका नहीं है, भाभी जान के माशाल्लाह हम बनाते हैं। मक्खन लगा रही हैं जी अपनी भाभी को, दोनों मिलके मक्खन लगा रही हैं चावल। भाभी जान वैसे भी खाना अच्छी बनाती है, जो हमारे जो प्यारे बहन भाई हमारा व्लॉग देते हैं तो वो लोग भी हमारी तारीफ करते हैं, तो कहते हैं बहुत ही मजेदार खाना बनाते हैं। अब सब लोग हाँ वो आपकी तारीफ करते हैं ना, आपकी तारीफ करते हैं ना, इसलिए ये फंस गई ये बैठी है, ये मुंह पे मीठे बन रहे हैं। नहीं तारीफ तो सबकी करते हैं ना, मेरी तारीफ क्या, खाना जब जाहिर बात है जब टेस्टी बनेगा तो टेस्टी क्या ना, अगर खाना गलत होगा तो अब बोला नहीं जा रहा, फंस गई है। सही बता रही है। बाकी मैं आज माशाल्लाह से जो पुलाव बनी हुई है बहुत ही मजेदार और जबरदस्त बनी हुई है जी। ज़ारा चाय किधर है, आपने उठा लिया है इधर? हाँ जी है, घर को डाल के दे दिया मैंने, कुछ बची भी है। हाँ जी ये ना बाजी के यार को बना के देने लगी हूँ, तो इसमें और दूध डाल के ना तो बाजी को बना के देने। चले ठीक हो गया, मैं जो है ना जाके दे आऊँ चाय पिलाऊँ। चलो मैं भी चलता हूँ, सारा काम भी देख लूंगा ना कितना बच गया है बाकी। चले ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है जनाब मोहतरम मुर्शिद, मुर्शिद है ना जी? नहीं जी हम तैयार हैं। जैसे रोज़ाना की रूटीन में शाम को आंधी या बादल आता था, आज वो काम नहीं है बिल्कुल भी। हवा हल्की हल्की ज़रूर चल पड़ी है लेकिन बादल या आंधी जो है ना बिल्कुल भी नहीं आई। चाय लेकर जी पहुँचे हैं, मिस्त्री भाइयों ने मेरे ख्याल से कर ली है छुट्टी, काम हो चुका है फाइनल। आज का आपको जो है काम मैं दिखा देता हूँ। मिस्त्री भाई जो अपने फारिक होकर अपना तैयार हो चुके हैं। उस्ताद साहब माशाल्लाह जी, अरे चिट्टा स्वीट उस्ताद जी, काटन का स्वीट लग गया है जी माशाल्लाह। काम चेक करें जी, आज का काम माशाल्लाह से, फ्रंट की दीवार देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खूबसूरत हो गई है प्लास्टर होने के बाद। अंदर का आपको रूम दिखा देता हूँ, बैठक जो है हमारी फाइनल हो चुकी है, सारी दीवारें माशाल्लाह से हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम हो गया है। अब चलता हूँ बाहर, बाहर से जो है ना आपको मज़ीद दिखा दूँ। यहाँ से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन खूबसूरत, आहिस्ता आहिस्ता से जैसे घर का नक्शा होता है ना वो अब निकलता आ रहा है। सादी चाय पी लो, पी लेता हूँ माशाल्लाह। ताज़ा मैं तो यही आपको कह रहा था ना, ये ताज़ा खाना में तो आपको ताज़ा था, ताज़ा जड़ा हाँ जी जोड़ वाला पाए वेंदे ना सूख वेंदे था जी। हाँ कहाँ दे जड़ा काम कुछ तुसा छिको वो नाल दे नाल ना फाइनल करो जी। हाँ
वालेकुम सलाम। ठीक हो भाभी? हाँ जी ठीक, आप सुनाओ? ठीक हो? मैं भी ठीक अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी तबीयत सुनाओ। हाँ जी ठीक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? ठीक हो? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, गर्मी है। गर्मी ने तो सारों को खराब किया है। नहीं आपने तो कहा भी शुक्रिया को मैं ठीक हूँ, शुक्रिया ने भी कहा ठीक हूँ। बताया ना, गर्मी का तो नहीं बताया। तो भाई गर्मी की वजह से तबीयत पतली हुई पड़ी है ना। हाँ जी ये तो बात सही है। और सब जारा ठीक है? हाँ जी। जारा को भी ले आते? जारा घर है, उसने दम करवाने जाना था। अच्छा दम करवाने जाना? आज इतवार तो नहीं है? आज हाँ आज है। इतवार को और बुध को जो पीर नहीं करती है दम। अच्छा बुध और इतवार चलते हैं। पता नहीं मुझे कौन कह रहा था कि भाईजान जो है ना वो जो पीर नहीं है ना उसका रابطہ हमारा भी करवा दे, जहाँ से ज़ारा दम वगैरह करवाती है तो औलाद नहीं है दुआ करवानी है ये है। मैंने कहा भाई वो ज़ारा को पता है, मुझे इस मामलात का नहीं पता। अल्लाह पाक दे। हाँ जी अल्लाह पाक की कलाम में ताकत है, बेशक मैं मानता हूँ। अगर कहते हैं तो वो बहुत दूर था उनका घर। मैंने कहा आप ही, आपका घर तो बहुत दूर है, आने जाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। मोबाइल पे भी दम वगैरह करती है दम। चलो फिर रابطہ होगा तो उनसे फिर मैं जो है ना उनको कह दूंगा, फिर मोबाइल नंबर उनको दे देंगे। फिर नहीं फिर फूका मारेगी मोबाइल में। किधर गई हुई है वो? नहीं नजर आ रही। मैं कुरान शरीफ पढ़ने गई। अच्छा चले माशाल्लाह। आप ही को जी लग गया है सदमा, बड़ी परेशान बैठी है। हाँ जी परेशान बैठी है। कह रही है कि जो हैदर आपके पास काम करता है बिजली वाला उसको भेज दो, हमारा पंखा जो छत वाला है ना वो खराब हो गया। खराब है और गर्मी में सारा दिन हम बेहोश पागलों की तरह बैठे रहते हैं। वो कूलर जो है वो खराब होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। वो दूसरा पंखा है वो दादापुर का लेके, वो इतना शोर करता है ना, बहुत ही शोर करता है, वीडियो भी नहीं बनाने देता। वो उसे बंद करते हैं तो गर्मी ही लगती है। चला अगर वो जरूर वीडियो भी तो बनानी होती है ना, तो बस वो पंखा छत वाला खराब हो गया, दो तीन दिन हो गया। मैं वैसे बेटी ब्याह के सलाम लेकुम मोहतरम पढ़ा ही हो कुरान पाक माशाल्लाह, बैठ कर पानी पियो। वीडियो बनाने इसलिए खड़ गई हो ना, जा रही थी मेरे। तशरीफ ले जाएं। अच्छा अब क्या करना है, पंखे को बेचना है? नहीं बेचना नहीं है, सही करवाना है। सही करवाना है? 500-600 दफा तो ठीक हो करवाया लेकिन हुआ नहीं वो बेचारा। कौन सा? छत वाला कह नहीं रहे इतनी नहीं, बार खराब तो हुआ है फिर ठीक नहीं, नहीं। तो करवाया ही नहीं। अच्छा फिर कौन सा ठीक करवाती रही वो दूसरा? अच्छा जहाजी। हाँ जी वो तो सही नहीं होता, एक तो जल के अंदर वो खड़ा है, वो देखो दो पंखे खड़े हैं, एक दादाबू का एक हमारा खड़ा। अच्छा आप ना यहाँ चौक से जो है ना मिस्त्री को बुला लो, हैदर के पास टाइम नहीं है। हाँ मेरे पास भी नहीं आ रहा वो। हाँ, मैं भी आज किसी और मिस्त्री को लेके गया था, मस्जिद में पंखे लगाने थे दो, ये सात वालों ने बुलाया था, इनकी वाशिंग मशीन है ना वो खराब हो गई थी, वो आया था तो इनकी मशीन सही करके, मुझे पता नहीं था मैं उनको ही बुला लेती। ये कुरान पाक ये परली पढ़ा रही है ये दरमियान बाजी को? मैंने कहा, मैंने कहा बच्चों को पढ़ा दें, जो खर्चा पानी होगा वो मैं आपको देती रहूँगी। हाँ वो तो फिर उसका हक बनता है ना, जायज सी बात। 1500 कह रही थी, मैंने कहा चलो ठीक चलो चलो बच्चे तो पढ़ जाएंगे ना माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी और आप ही यहाँ पे हरी मिर्चें तो नहीं नजर आ रही, टमाटर और प्याज लेके आते ही नहीं आपके भाई, टमाटर वो फिर यहाँ पे विलेज में तोड़ के लेके आए हैं तो वो यहाँ पे तोड़ती है ना, तो उन्होंने दिए थे फिर हमें, तो प्याज मैंने अब मंगवाए थे ये, तो ये घी मंगवाए आपके कल वो परस कल लेकर आया था वो सौदे, बस वो घी लाए नहीं तो फिर मैंने कहा अब मैंने सालन बनाना है तो घी मंगवा दे, तो अब मंगवा के लिए। चले माशाल्लाह क्या बनाने लगी हैं खाना? फुलके बना रही हूँ। फुलके हैं? शुक्रिया ने आदत डाल दी है मेरे ख्याल से। हाँ जी मैंने कहा ये शुक्रिया की भी पसंद है ना, पहले मैंने बनाए थे बनानी थी कड़ी, वो लस्सी नहीं मिल रही, लस्सी वहाँ पे हमारे पास भी नहीं ये है, बहुत तंग। फुलकियों के लिए नहीं बनाया था बेसन ये, बस रोजाना कोशिश करते हैं बोतल में रखें रखें, आती थोड़ी सी है बिल्कुल, 3-4 गिलास बनते हैं सारे। बस वो कड़ी बनानी थी तो बस फुलकियाँ बना दी। एक जगह है वो नोनी को पता है, इब्राहिम को पता है, वहाँ से मिल जाए ना तो 2-3 बोतलें जो है ना वहाँ से निकल आएंगे, लेकिन यह है की वहाँ पे जाना पड़ेगा, दूर है वो जगह। हाँ जी मैं भी यहाँ से पता करवाती हूँ, यहाँ देते हैं थोड़ी देते हैं उससे नहीं फिर कड़ी बनती। आप जी बना रही है यहाँ पे चाय और आप ने भेजा है भाई रफीक को कुछ लेने के लिए, माशाल्लाह से तकरीबन 1.5-2 घंटे को वो पता ले रही है ना उसके पास, वो तो फिर देर तो लग जाएगी ना। अच्छा अच्छा रेड़ी पे गए हैं? मैं समझे शायद दुकान पे गए हैं। नहीं नहीं दुकान पे नहीं गए, वो
उधर के मैंने बाजार भेजे उनको। अच्छा अच्छा, वो तो फिर आपको पता है कितनी दूर है, वो तो काफी टाइम लग जाता है। वो तो टाइम लगेगा, अगर दुकान पे बेचती तो फिर वो तो करीब थी ना, वो तो फिर आगे सब्ज मंडी के पास वहाँ पे। अच्छा अच्छा, फिर तो उनको समझो आधा घंटा और लगेगा, आगे रास्ते में होंगे वो, आ रहे होंगे। चले माशाल्लाह, चाय तो हमारी बन गई है, चाय तो पी लेते हैं और फिर जो है ना जो देखते हैं कि आप ही ने कुछ मंगवाया है या भाई जान अपनी मर्जी से कुछ लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैंने मंगवाया अपनी मर्जी से। क्या कहने आप यार एक बात और, हमारे आने से आपका खाना रह गया, आपने चाय रख ली। नहीं कोई बात नहीं, मैं खाना भी बना लूंगी, मेरे फुलके ये देखे तैयार हुए। अच्छा, हाँ जी ये देखो। अच्छा अच्छा, फिर तो कोई देने लगेगी। ये प्याज भी मैंने काट दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना दिया, टमाटर भी काट दिया, सब मसाले तैयार है और बस ये ऊपर चढ़ाने की देर है। चाय मैं देती हूँ, चाय मेरी तैयार हो गई, सबको मैं चाय देती हूँ। महेश बेटी चाय लेकर आ गई है। जी मैं मेरा पुत्र मैं इतनी नहीं पहनता, जी मैं पीऊ तेरा प्याले भर भर पीते। चाय लेकर आई ना तो फिर भाई थोड़ी बहुत कम, ना बहुत कम, भाई लोग भी कम पीते हैं, हम भी कम पीते हैं, आप कम कर दो, अपने बाबा को प्याले बड़े बड़े पिलाना। चले मैं कम कर। हाँ जी बहुत ज्यादा है, देख तो इतने प्याले भर के ले आई है। वो भाई ने डाली नहीं, सीटें फुल हो गए। आपकी मम्मा का कसूर नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मोबाइल को तंदूर में लगाई हूँ। कोई बात नहीं भाजी, गर्मी है हो जाता है। गर्मी ने ना पागल किया। बड़ा इंतजार करने के बाद भाई रफीक साहब जो हैं पहुंच चुके हैं, मेहमानों के लिए लेकर आए हैं बोतल लेकर आए हैं और साथ में ये पता नहीं क्या चीज है, अभी खोलूंगी तो पता चलेगा। मेरे ख्याल से ना मुझे तो समोसे और दही लग रही है। मुझे भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है सही बताओ? समोसे लग रहे हैं। चलें जी मेहमानों को देते हैं समोसे, साथ में बोतल है। चलें माशाल्लाह निकालते हैं और मेहमानों को जो है ना पेश करते हैं। और छोटा शहजादा यहाँ पे है, ऐसे करो, बोलो ठीक हो, बोलो ठीक हो, नहीं चलें जी चलें देखें जी। और साथ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ नहीं पता मुझे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, निकलेंगे तो पता चलेगा। चने तो बहुत सारे दे दिए है ना। चलो निकालो, ठंडे हो जाएंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, हवा जो है ना माशाल्लाह से अच्छे चल पड़ी है जी। चलो जितनी जितनी आ गई हैं चीज़ें निकाल लो आप। ओहो मैंने गलती से पानी डाल दिया, बाकी कर दिया टमाटर में ना, ये नज़र आएंगे, ये देखो ये टमाटर ना गले नहीं है। ओहो मुझे क्या पता था, मैं समझा था पानी डालना है। नहीं नहीं, आप जो कह रही थी भाई जल रही हैं बार बार, प्याज जलने लगी, पानी नहीं डालना था, ये टमाटर ना शोरबे में नजर आएंगे फिर। अच्छा चले माशाल्लाह बन ही जाएंगे, खुश हो ही जाएगा पानी तो, हो जाएगा इंशाल्लाह, खुश खा जाएगा सब कुछ, लक्कर पत्थर हजम। चले आ जाए आप फिर, चलो थोड़ी सी आग कम कर लेते ना। आ जाए समोसे माशाल्लाह से निकालनी है महेश बेटी ने, मुझे समझ नहीं आ रही पता नहीं कैसे कैसे ये सेटिंग की है आपने। बस कर रही हूँ जिस तरह मामी ये। बस यहाँ पे क्योंकि गांव है ना, यहाँ पे शहर तो है नहीं, गांव के हिसाब से चीजें मिलती है ना। हाँ जी वो खुश हो रहा है। हाँ खुश हो रहा है। हाँ समोसे देख के मामू की गलती है, इतने दूर ध्यान में बिठा देते। भाई रफीक साहब जी चने लेकर आए हैं, समोसे लेकर आए हैं, समोसे जो है वो भूसे हुए हैं और ये चने जो है ना तीन दिन पुराने। देखो जी अकल बंदे की काम करनी चाहिए भाई, जब जो आप जो चीज ले रहे हो उसको ये तो कहो भाई हमें ताजी दो, पैसे दे रहे हैं कोई अल्लाह वास्ते थोड़ी ले रहे हैं। है, मैं होती तो मैं सुनवाती और देखती सुनाती। अच्छा फिर ये अपना आपने कहा ना जब भाई जान को समोसे ये ठीक नहीं करे आप गिना कर। हाँ जी वो कहते हैं मुझे हर वक्त डांटती रहती है, मुझे कहती है भाई आप चीज खराब लेके, वो कहते हैं खुद ही चली जाया कर। असल में बात ये है कि आप देखो पैसे तो लगाए ना चीज, जब हम ये चीज अच्छी लेनी चाहिए ना, वो चने लेके आगे उबले हुए पानी की तरह, वो जो सर ना उसमें मिर्चा ना कुछ, और समोसे वो बासी समोसे दे दिए। हाँ जी वो ना टेस्ट से पता लग रहा है, आपने भी टेस्ट किए हैं, आपने खुद कहा है कि भाई टेस्ट सही नहीं। अगर अच्छी होते तो हम खा बचते, ये ताजे नहीं लाए ना बनवा के, ताजे लाता ना फिर इसको पता ही नहीं लगता भी चीज लेनी कैसी है नहीं लेनी, पता ही नहीं लगता भाई जैसे उठा के ले। आप ही से लेने लगे हैं, इजाजत जाने लगे हैं, जाते जाते आप ही ने कहा है कि शुक्रिया सालन फुलकियों का लेती जाओ। हाँ जी
क्योंकि आई भी तो है ना, मैंने कहा चलो लेती भी ना। आपकी शोरबा थोड़ा कम हो गई या वैसे ही लग रहा है मुझे? ये मुझे लगा ये पी गई है। बेसन है ना, बेसन पी देते हैं अपन। ओए अम्मी ये तो डब्बी उसकी है। ओए अम्मी ये अम्मी कुछ नहीं होता। आ जाएगी ना की कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। खाना हमने किसकी है? वो भी तो अपनी है। नहीं फिर मामी ये याद से डब्बी ए कहीं नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती, टेंशन ना ले। खाला आ रही है जुम्मे वाले दिन। अच्छा हां हां जी, सरप्राइज है। हां जी आपको नहीं पता था? नहीं वो फिर मैंने क्यों बता दिया? कह रही मैंने क्यों बता दिया, खाला हमने आ रही है जुम्मे वाले दिन। अच्छा चलो अल्लाह पाक खैरियत से लेकर आए। एक मिनट में कुछ शापर ढूंढ। हम जी रवाना होने लगे हैं, जाते हैं, जाते जाते जो है ना व्लॉग का भी यहीं पर। देखो उधर देखो वो जाले में, विल्डो में देखो, जाओ विल्डो। शुक्र है और ही कुछ नहीं बोला, परली वाले विल्डो में देखो। फिलहाल जी लेते हैं आपसे इजाजत, व्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है हमारी हंसी मजाक आपको जो है ना व्लॉग में इंटरटेन। मैं कुछ और कह रहा था बाजी ने, और कुछ अगर हमारी बात हमारी बुरी लगे तो हम माजरत करते हैं। और हाँ जी आपने उम्मीद है कि आपने जो है ना व्लॉग का एंजॉय भी किया होगा। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले आप हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद।